गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे टाइफाइड फ़ीवर जो टाइफाइड है इट इज़ अ सिस्टमिक इन्फेक्शन ठीक है इट इज़ ओनली फाउंड इन मैन सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट कर सकता हैं इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर इंटरेस्टाइंग ठीक है इसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं विद द कॉन्टिन्यूस टेप्लाडर फीवर जो एटलीस्ट वन मंथ तक हो वी कैन हैव रिलेटिव ब्रैड आइडिया ठीक है एंड

देन जो टाइफाइड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है जहाँ पे जहाँ पे पानी की कम पानी सप्लाई अच्छा ना हो और सैनिटेशन ना हो ठीक है ये अगेन फीको ओवरऑल है ठीक है तो अगर आपका जो खाना है या फिर पानी अगर वो फीसीज कंटैमिनेटेड है या फिर जो आपका कुक है वो उसने मतलब उसने आपका खाना कंटैमिनेट कर दिया है बाई वॉशिंग हिज हैंड्स देन ऑल्सो यू कैन हैव टाइफाइड ठीक है तो इसका एक इलाज ये है कि यू कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन एंड यू कैन इंट्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड दिस वॉज द थिंग दैट हेल्प द डेवलप्ड कंट्रीज़ टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मोबिलिटी बाई टाइफइड क्योंकि आपने देखा कि इसमें फीवर एक महीने तक रेंज कर सकता है इस वजह से इट इज़ अ सोशल इकोनॉमिक बर्डन ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को हो जाता है टाइफाइड तो वो एक महीने तक नहीं आ पाता काम पर ठीक है उसकी सैलरी जाती है एंड एज अ मेंबर जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को तो वो भी नहीं हो पाता है ठीक है ये ऑर्गेनिज्म भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ले रहा है एंड वी हैव नाउ एमडीआर पहले इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हुआ करती थी क्लोरामफेनिकॉल एम्पेसिलन एंड कॉटम्बोक्सोल बट दिस इज चेंज हम आगे पढ़ेंगे क्यों ठीक है एंड uh, अगर ये छोटे बच्चे में होता है लेस देन टू इयर्स तो देन इट कैन बी रिलेटेड टू मैनी कॉम्प्लीकेशन एंड डेथ वो भी मांगे पड़ेंगे टाइफॉइड इज मोस्ट कॉमनली और मैक्सिम केसेज आर रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन इंडिया देन वी हैव एजेंस सालमानाला टाइफाइड पैरा टाइफाइड ए बी अब हम एंटीजेंस की बात करते हैं सो दे आर थ्री एंटीजेंस दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इन एपिडेमोलॉजी ये देखने के लिए कि है कौन सा बैक्टीरिया ठीक है वी हैव ओमिनसमैटिक ठीक है एच फ्लैज वी आई मीन्स कैप्सूल तो ये एंटीजेंस अपनी जगह पे जहाँ जहाँ मिलते हैं उनके हिसाब से इनको हमने नेम कर रखा है टाइफाइड इज़ अ इंट्रा सेलुलर पैथजिन इसका मतलब वी नीड सेलुलर इम्यूनिटी टू कॉम्बैट इट ठीक है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दीज एंटीजेंस आर ऑफ नो यूज ठीक है प्रोटेक्टिव नहीं होती हैं ये फैक्टर्स जो इन्वॉल्व करते हैं कि आपने कितना बैक्टीरिया खाया है एंड वो कितना विरेलेंट है मैन इज़ द ओनली केस ओनली नॉन रिजर्वॉयर एंड इसमें केसेज भी हो सकते हैं कैरियर्स भी हो सकते हैं एंड दे आर इन्फेक्टिव जब तक बैसिलइस टूलिया यूरिन में आ रहा है सो कैरियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही होते हैं जो फैला देते हैं ठीक है एक तो इनको नहीं पता कि इनको डिजीज़ है जो खाना खा रहे हैं इनका उनको भी नहीं पता कि इन्हें डिजीज़ है ठीक है जो लोग अंधेरे में रहते हैं वो हमेशा डिसएडवाटेज में रहते हैं तो जो कैरियर्स हैं वो टेम्परेरी हो सकते हैं दे कैन बी इंक्यूबेटरी मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड में है एंड कॉन्सेंट जब उनको डिजीज़ और वो ठीक हो गए ठीक है थीके? उसके एक दो महीने तक वो फैलाते रहते हैं तो वो कॉन्वेलेसेंट कैरियर है क्रॉनिक कैरियर कौन है जिनको हो गया है वो ठीक हो गया पर वो एक साल से ज़्यादा हो गया फिर भी फैलाए जा रहे हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो एस टाइफ है टाइफी है वो क्या करता है इनके गॉल ब्लैडर एंड इनके यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके शरण ले, ले लेते हैं ठीक है दैट्स वाई वी हैव फीकल कैरियर्स एंड यूरिनरी कैरियर्स एंड फ़ीकल कैरियर्स आर मोर डेंजरस ठीक है एक तो ये फ्रीकुंट भी होते हैं देन वी हैव टाइफाइड मैरीज द क्लासिकल एग्जाम्पल ठीक है एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है अगर आपका खाना कंटेमिनेटेड बाई फीसीज इट कैन बी योर वाटर यू इट कैन बी योर फूड इट कैन बी योर ओन हैंड्स ठीक है एंड कैन बी फ्लाइज फ्लाइज़ इधर से उधर उड़ती रहती हैं कैरियर आर मोर इन फीमेल्स टाइफाइड मैरी एंटीबॉडीज़ आर नॉट प्रोटेक्टिव ठीक है सेलमिडेटेड इम्यूनिटी इज़ रिक्वायर्ड होस्ट फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं दैट इज गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड लोकल इंटस्टेनल इम्यूनिटी दैट इज़ आई जी ए रेनी सीजन में होता है मोस्टली सारे के सारे फिकोरल चीज़ें रेनी सीजन में बढ़ जाती हैं फूड बैड कंडक्टर इसलिए फूड में बहुत अच्छे से ग्रो करता है ठीक है दैन टाइफाइड इज रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन इन एनी कंट्री अगर इंडिया में टाइफॉइड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सैनिटेशन सब स्टैंडर्ड है ज़्यादा अच्छी नहीं है मतलब देन इंक्यूबेशन टू टू वीक्स का होता है देन वी हैव क्लिनिकल फीचर्स इसका ऑन साइड इंसीडियस है ठीक है एकदम से आपको चिल्ड एन फीवर होगा इन प्रोड्रोमल स्टेज जो हमने पीछे सारे सिम्टम्स पड़े थे वही हैं यू कैन हैव मलेज यू कैन हैव हेड एक यू कैन हैव एफ डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन ठीक है कैरेक्टरिस्टिक यू है स्टेपलाडा फीवर इसमें क्या होता है कि एक हफ्ते तक आपका बुखार बढ़ता रहता है ठीक है राइज़ होता है बुखार धीरे धीरे करके एंड फिर वो प्लेट्यू पर आ जाता है ठीक है फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाता है एंड यू आर लाइक कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है पेशेंट ठीक है इसमें मार्ग कॉन्स्टिपेशन होता है पर अर्ली स्टेज में इसमें क्या हो सकता है पीसू डायरिया देन इसमें ल्यूकोपिनिया भी होता है ठीक है लेटर जो है इसमें फिजिकल फाइंडिंग्स क्या के मिल सकती हैं स्क्रीनों में गैली अबडोमिनल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस रिलेटिव ब्राइडी का आइडिया ड्राइक्रॉटिक डाइक्रॉटिक पल्स एंड ओकेजनली मैनिजिसमस मिल सकता है जो रोज पॉट्स है इसका पैथकनॉमिक नहीं है और बहुत कम लोगों में मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो उन लोगों में मिलते हैं जिनकी स्किन जो है फेयर है जैसे फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा फेयर होती है ना जिनकी स्किन उसमें मिलते हैं एंड ये क्या होता है कि अगर हम इनको प्रेस करें तो ये ना फेड कर जाते हैं ठीक है पर प्रेशर हटा हैं तो वापस आ जाते हैं ठीक है दीज आर नॉट पैथकनॉमिक फीचर्स अगर आपसे कोई पूछे तो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि लिम्फॉइड को इफेक्ट करते है, हैं स्टेप लाड फीडवर है एंड दे कैन हैव है आइडिया अगर कोई इंसान दो हफ्ते से ज़्यादा बीमार है या फिर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है देन दे अगेन गो टू इंटस्टाइनल हेमरेज एंड दैट कैन नीड टू शॉक ठीक है एंड इसमें क्या होगा कि डार्क या फिर फ्रेश कलर्ड ब्लड आएगा स्टूल में एंड उनका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाएगा जैसे हर शॉक में होता है ब्लड कल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस तो इसमें हम एक निमोनिक याद रखते हैं बासू दैट इज़ ब्लड सिरम स्टूल यूरिन फर्स्ट वीक में ब्लड में ज़्यादा होता है बैक्टीरिया ब्लड में ज़्यादा डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ होती हैं ठीक है ब्लड यूज़ करते हैं ए फॉर सिरम सेकेंड वीक में सिरम यूज़ करते हैं थर्ड वीक में हम स्टूल यूज़ करते हैं फोर्थ वीक में हम यूरिन यूज़ करते हैं ठीक है फिर वी हैव फेलिक्स विदाल टेस्ट दिस इज़ अ वेरी फेमस टेस्ट इसमें क्या होता है ओ एंड एच एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एच एंटीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है Uh, फिर जो ओ एंटीजन है वो सिक्स टू एट डेज़ में मिलता है हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो ओ एंटीजन है वो उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जिनमें डिजीज़ अभी है एच एन एंटीबॉडीज़ सॉरी एंटीबॉडीज़ हैं वो टेन टू ट्वेल्व ओ एंटीबॉडीज़ सिक्स टू एट डेज एंड एच एंटीबॉडीज़ टेन टू ट्वेल्व डेज़ ठीक है सो so, इसमें क्या होता है डबल द टाइम हो गया जो एच एंटीबॉडीज़ हैं उनमें मिलती है जो ठीक हो चुके हैं जिनको इम्यूनिटी आ गई है ठीक है इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी है इसका मतलब एक अगर आपको टाइफी हो गया तो आपको पैरा टाइफी ए नहीं होगा और बी नहीं होगा अगर आपको पैरा टाइफी ए हो गया तो टाइफी एंड पैरा टाइफी बी नहीं होगा ठीक है पर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है ये किसके साथ कर सकता है और मैच अगर किसी को मलेरिया है अगर किसी को टाइफिस अगर किसी को सिरोसिस है ठीक है सो इट इज़ नॉट अ वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड इट इज़ मॉडरेट और भी टेस्ट है आप इनके नाम याद रख सकते हैं लाइक वी हैव आइडियल ट्यूबेक्स टेस्ट इन सब टेस्ट में हम आई जी एम बॉडीज डिटेक्ट करते हैं वी हैव टाइफी डॉट ठीक है टाइफी डॉट इज़ वेरी फेमस टाइफी डॉट एम इसमें भी हम आई जी एम लेते हैं एंड वी कैन ऑल्सो सी लाइपो पॉलीसैक्राइड एस टाइफी इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो इसमें लाइपोपोलीसैक्राइड तो होगा ही देन कंट्रोल पहले तो हम रिजर्व वॉयज को कंट्रोल करेंगे ठीक है रिजर्व का जो कंट्रोल है वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है ठीक है कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन सैनिटेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल क्योंकि एक दिन में सैनिटेशन नहीं आती है ठीक है इम्यूनाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म गोल ठीक है द वीकेस्ट लेंगे सैनिटेशन ठीक है इसको कंट्रोल करना कि लोगों को बोलना कि कूड़ा मत फलाओ ये मत फलाओ बहुत बहुत डिफिकल्ट है या फिर उनकी गंदगी बार बार साफ करते रहो तो कंट्रोल रिजर्व में क्या है कि अगर कहीं केस है तो उसको आइडेंटिफाई करना है उसको जनरल पॉपुलेशन से अलग करना है ताकि वो फैलाए ना उसको ट्रीट करना है और जो भी उसने चीज़ छुई है उसको डिसइनफेक्ट कर देना है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो टाइफॉइड है ठीक है उसके स्टार्टिंग के सिम्टम्स नॉन स्पेसिफ़िक होते हैं वो फैलाते रहते हैं ठीक है तो ऐसा ही होता है कि अगर किसी एक इंसान को हो गया है अपने घर में तो वो सबको फैला देगा ठीक है टाइफाइड बहुत इन्फेक्शियस है एंड इसकी प्रोलोंग्ड कोर्स है ठीक so, को है सो केसेज़ को हॉस्पिटल भेजा जाता है फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ठीक है तो ये एक बर्डन है टू मारे हॉस्पिटल ऑल्सो ठीक है एज अ रूल केस शुड भी आइसोलेटेड टिल थ्री बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव स्टूल्स एंड यूरीन रिपोर्ट आर ऑप्टेंड ऑन थ्री सेपरेट डेज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एम सी क्यूज फॉर रिवाइवल्स ट्रीटमेंट इज़ फ्लोरोन्स मैंने बताया था ना ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है क्योंकि इनएक्सपेंसिव है वेल टॉलरेटेड एंड मोर एक्टिव रैपिड है ठीक uh, है थीके? जो हमारे वो पहले फर्स्ट थ्री लाइन एजेंट ड्रग्स थे ना वो अब हम नहीं यूज़ करते हैं ठीक है अगर बहुत ज़्यादा बीमार है इंसान तो वी कैन गिव हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी क्या है कि एक तो आपको अपनी सैनिटेशन का ध्यान रखना है डॉक्टर्स एंड नर्सेस ठीक है एंड स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स इनको अपने हाथ धोने चाहिए क्योंकि फैला सकते हैं ठीक है नोजोकॉमिल इन्फेक्शन वी हैव याट्रोजेनिक इन्फेक्शन वी हैव राइट फॉलो अप तीन से चार महीने तक इनको फॉलो मतलब एक बार ये डिस्चार्ज हो गए देन आप तीसरे चौथे महीने में इनको वापस बुलाओ और फिर एंड में फिर से बारह महीने बाद इनको बुलाओ ताकि कैरियर्स ना बन जाए ठीक है कैरियर्स दे अल्टीमेट सोर्स है और इनको हटाना ही हमारा मिशन है तभी हम टाइफाइड कंट्रोल कर सकते हैं सैनिटेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल है ठीक तो है तो क जो कैरियर्स हैं उनको क्या करते हैं उनका कल्चरल एंड सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ठीक है अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ मिलते हैं इनके बिलेरी ट्रैक में एंड इनके यूरिनरी ट्रैक में ठीक है तो हम इनमें इनके वी आई एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं अब इनको क्या देंगे हम एम्पिसलिन अमॉक्सीजिलिन विथ प्रोबिड ठीक है ये तो फेमस कॉम्बिनेशन है ही दीज ड्रग्स आर कंसेंट्रेटेड इन बाइल तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एम्पिसलिन भरनी होती है भरते रहो भरते रहो भरते रहो वो एंड में बाइल में जाके अपने आप भर जाएगी ठीक है कंसेंट्रेशन अगर नहीं हो रहा हैं ठीक तो आपको रिमूव करना पड़ेगा यू हैव टू रिमूव द गोल ब्लाडर यू दैट इज कॉलिस अगर यूरनरी कैरियर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो रहे हैं ट्री देन वी हैव टू डू दिफेक्ट मी सर्वेलेंस इंपॉर्टेंट है जो भी uh, फूड इंडस्ट्री uh, में होते हैं जो कुक्स होते हैं जो वेटर्स वगैरह होते हैं उनका सर्वेलेंस करना होता है ठीक है हेल्थ एडुकेशन हाथ धोने ज़रूरी है कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको जो भी ड्रिंकिंग सप्लाई वो ज़्यादा अच्छी करनी है फूड हाइजीन अच्छी करनी है एंड दिस इज़ समथिंग एसेंशियल ये हर कंट्री में हर इंसान को मिलना ही चाहिए इम्यूनाइजेशन इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर ठीक तो है इट इज़ अ स्पेसिफिक मेजर तो जहाँ पे ज़्यादा एंडेमिक है जहाँ पे एक को हो गया है या फिर जो बच्चे हैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल में हो गया है और बाकी बच्चे अभी तक पता नहीं इंफेक्टेड इन्फेक्टेड हुए हैं कि नहीं तो उनको भी लगा दो इंजेक्शन ट्रैवलर्स डायरिया मतलब अगर कोई ट्रैवलर है अगर कोई फॉर एग्जांपल यूएस से इंडिया में आ रहा है तो हैव टू हैव दिस टाइफाइड वैक्सीन जैसे हम इंडिया से जब बाहर जाते हैं तब हम इंजेक्शंस लगाते हैं वैसे वो जब यहाँ आते हैं तब वो इंजेक्शंस लगाते हैं एंड दोज अटेंडिंग मेलाज एंड यात्राज़ लाइक कुंभ मेला देन जो हमारी एंटी टाइफाइड वैक्सीन है दे कैन बी सब एंटीजन या फिर होल सेल लाइव वैक्सीन कैन बी देयर ठीक है देन यू कैन रिमेंबर वी हैव टाइफाइड दिस इज टी वाई टू एस स्ट्रेन होता है ठीक है इसमें टी सेल इंडिपेंडेंट आई जी जी रिस्पॉन्स मिलता है ठीक है एंड इसमें भी हम वी आई कैप्सूल यूज़ करते हैं जो कैप्सूल का है यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं हर एक का साइड इफेक्ट ये होता है कि दर्द हो रहा है और साइट ऑफ इंजेक्शन में ठीक है और मल्जियाज़ वगैरह ठीक है अब इसमें क्या होता है कि हम इसको कैप्सूल्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं ठीक है जो वैक्सीन है ठीक है उसको लाइफलाइज कर देंगे उस पर कोटिंग लगा देंगे और वैक्सीन बन गई एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स शुड बी स्टॉप थ्री डेज बिफोर एंड आफ्टर गिविंग दी वैक्सीन ठीक है क्योंकि ये क्या करेंगी वैक्सीन को तबाह कर देंगी फ़ायदा नहीं हुआ देने का देन वी कम टू पोलियोमोलाइटिस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इट इज़ अक्यूट वायरल इन्फेक्शन आर एना वायरस है एलिमेंट्री के नाल में रहता है ये मतलब बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है पर इनमें से एक परसेंट लोग जिनकी किस्मत बहुत बुरी है ना उनके सी एन एस को अफेक्ट कर लेता है ये ठीक है इस इसमें जैसे क्या हो सकता है इसमें पैरालिसिस हो सकते हैं अगर आपके गले तक पहुँच गया दिन डेथ हो सकती है एंड नाउ दीज थ्री कंट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड नाइजीरिया जहाँ हम पूरे वर्ल्ड में पोलियो से कॉम्बैट कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे पोलियो अभी भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे भी केसेस मिलते हैं ठीक है दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट ट्वेंटी मार्च टू जब इंडिया वॉज सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री ठीक है इसका मतलब क्या है कि 300 सौ केसेस से कम मिलते हैं अब इंडिया में ठीक है एंड नाउ क्योंकि आपको पता है कि जो टाइप आ, टू स्ट्रेन है पोलियो की तीन स्ट्रेन होती है वन टू थ्री जो टाइप टू है वो पूरी दुनिया से इराडिकेट हो चुकी है इराडिकेट मतलब वो कहीं मिलेगी ही नहीं आपको ठीक है उसके ना स्टॉक्स हैं ना कुछ हैं देन uh, जो टाइप थ्री है वो बहुत uh, साल हो गए दो हज़ार बारह से डिटेक्ट नहीं हुआ है अभी जो घूम रहा है पूरी पॉपुलेशन में अगर किसी बच्चे को अगर पोलियो हो जाए तो सोचा जाता है कि इसको टाइप वन ही होगा क्योंकि टू तो ख़त्म हो गया थ्री मिल नहीं रहा है और वन ही बचा है ठीक है हम क्या करते हैं ट्राई वैलेंट ओ देते हैं इसकी वजह से ही हमने ये इतनी जो महारत है ये हा हासिल की है दिस इज़ अ लाइव attenuated वैक्सीन लाइव अट्यूनेटेड वैक्सीन का दिक्कत ये कि अगर आप किसी को ये देते हैं तो क्या होता है कि जब ये बॉडी में गया तो ये म्यूटेट करके वापस से अपने औरिजिनल खतरनाक वाले फॉर्म में आ जाता है तो जहाँ इसका काम था सिर्फ इम्यूनिटी इंड्यूस करा के निकल जाना इसने क्या किया इम्यूनिटी तो इंड्यूस कराई फिर इसने अपने नर्वस सिस्टम पे भी अटैक किया वहाँ पर जाके इसने क्या करा दिया परालिस करा दिया दिस इज़ नोन एज वैप वैक्सीन डिराइव पैरालेटिक पो, पोलियो ठीक है अब हमारा गोल क्या है एक तो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है जो नेचर में मिलता ही है जिससे हम लड़ ही रहे हैं उसको भी इराडिकेट करें एंड वी डी वी पी को भी करें ठीक है वैक्सीन से डिराइव किया पोलियो वायरस उसको भी इराडिकेट करें ठीक है ये हम कैसे कर सकते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस से हम लड़ ही हैं अगर मुझे वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस से लड़ना है तो मुझे सारा ओ बंद करना पड़ेगा इस वजह से आया हमारा एंड गेम ठीक है इसमें क्या है कि पहले तो वायरस को डिटेक्ट करना और इंटर इंटरप्शन करने की अगर पता चल गया कि इसको वायरस है तो फैला फैला ना पाए रूटीन इम्यूनाइजेशन करें और ओ पी वी विड्रॉल कर दें फिर अगर ये दो कंट्री आ, कंट्री में ये दो चीज़ें होंगी फिर कंटेन कर लें अगर कहीं पे भी पोलियो है तो उनको कंटेन करो उनको मतलब फैलाने में दो एंड फिर है हमारे पास लेगेसी प्लानिंग कि जितना हमने अचीव किया उसको मेंटेन कैसे करना है ठीक है तो ये हमने कैसे प्लान किया हमने प्लान किया द स्विच द स्विच क्या था क्योंकि जो ओ पी है ठीक है जो पोलियो वैक्स वायरस टू है वो तो इराडिकेट हो ही चुका है ठीक है जो वाइल्ड टाइप है अब हमें क्या इराडिकेट करना है वैक्सीन डिराइव टाइप टू पोलियो वायरस ठीक है तो हमने क्या किया कि उसकी वैक्सीन बनाना ही छोड़ दी ठीक है ठीके? तो अब हम क्या करते हैं हम बाय वैलेंट पर स्विच कर गए पहले हम ट्राई वैलेंट पे थे हम बाय वैलेंट पर आ गए अब बाय वैलेंट में कौन सी स्ट्रेन है ओनली वन एंड थ्री एंड दिस इज नोन एज द स्विच और ये हुआ था दो हज़ार सोलह में ठीक है स्विच का मतलब क्या होता है कि इस डेट के बाद फर्स्ट मे 2016 के बाद आपको पूरी दुनिया में कहीं भी ट्राई वैलेंट ओ मिल ही नहीं सकती बनेगी ही नहीं ठीक है एंड अगर जो फॉर एग्जांपल है जो ये पोलियो टू है अगर ये गलती से पॉपुलेशन में वापस आ गया तब हमें कैसे कॉम्बैक करेंगे इससे हमने तो ओ पी वी से इसको हटा दिया तब इन्होंने कहा कि एटलीस्ट वन डोज ऑफ़ आई पी वी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट अगर वापस से वाइल्ड टाइप ऑफ पोलियो वायरस टू आ जाए तो हम इसको इराडिकेट मतलब उसको हम कॉम्बैट कर सकें तो ये लाइन है द रिस्क ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड पैराल पोलियोमलाइटस दिस इज़ वैप एंड कम्युनिटी जो टाइप टू है आउटवेज इट्स बेनिफिट ओ पी वी टाइप टू देने का फ़ायदा तभी था जब हमें वाइल्ड वायरस से कॉम्बैट रहे थे एंड रिस्क था कि हमें इससे भी हो सकता है परालिस पर अब जो वो वायरस रहा ही नहीं तो परालिस जो है उसका रिस्क ज़्यादा है सो so, जो रेशो है वे बेनिफिट इस टू रिस्क का वो रिस्क में ज़्यादा बढ़ गया ठीक है देन वी हैव दिस एंड गेम कि एंड गेम में क्या है कि एक तो आई पी भी इंट्रोड्यूस करनी है रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथन करनी है एंड कोशिश करना है कि मैग्नीट्यूड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से हरियाणा हरियाणा से पंजाब नंबर कि दिल्ली में दस लोग हुए हैं हरियाणा में पाँच लोग हुए हैं कितने लोग अफेक्ट हुए हैं एंड लेंथ ऑफ बोथ वाइल्ड एंड पोलियो वायरस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को हो गया है ठीक है तो वो कितने दिन तक है ठीक है और अगर एक जगह है उसको कितने दिन तक दिन, दिनों से यहाँ पे आउटब्रेक्स चल रहे हैं ठीक है इस सब को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि रेटी रूटीन इम्यूनाइजेशन को ही स्ट्रेंथन कर लो ठीक है क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन का आप करोगे तो बाकी सारी वैक्सीन्स भी हम इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं तो आर गोल इज़ दिस अब जहाँ पर ये सपना है क्या हम इम्यूनाइजेशन कवरेज कर सकें बहुत ही लो है वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर आ, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इनपेट्स को बच्चों को दे दो ठीक है एंड हम इसको कैसे मेजर करते हैं द थर्ड डोज ऑफ डी पी टी कंटेनिंग वैक्सीन विल बी यूज़ टू मेजर रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज इम्प्रूवमेंट्स अगर आप किसी कंट्री में एक बच्चे को तीसरी डोज ऑफ़ डीपीटी दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी इम्यूनाइजेशन कवरेज बहुत अच्छी है एंड इसलिए हमने आईपीवी को फोरटीन डे दे पे देते हैं फोर्टीनथ वीक में देते हैं ठीक है ठीके? एक डोज देते हैं फोटीनथ वीक में अलॉन्ग विथ थर्ड डोज ऑफ डी ठीक है या फिर पेंटावाइलेंट जैसे भी आप दे रहे हैं जो टाइप टू वायरस है वाइल्ड टाइप वाइल्ड टाइप वो इराडिकेट हुआ है जो वैक्सीन वाला वो इराडिकेट नहीं हुआ है पर जो ये वाइल्ड वाला है ये बहुत सारी कंट्रीज लाइक यूएस रशिया इनकी रिसर्च लैब्स में है अब उस दिन का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये या तो खुद इनको डिस्ट्रॉय कर दे या फिर इसको वर्ल्ड में रिलीज़ करके एक नया एपिडेमिक करा दें ठीक है उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है देन वी हैव दिस आई एंड फ्रैक्शनल आई डोजेस में डिफरेंस है ये पॉइंट फाइव है हर वैक्सीन की डोज़ पॉइंट फाइव होती है फ्रैक्शनल इज़ पॉइंट वन आई हम एक डोज देते हैं फोरटीनथ वीक में एंड फ्रैक्शनल हम दो डोज देते हैं सिक्स एंड फोर्टीन वीक में दिस इज़ इंट्रा मस्कुलर इन टू द थाई एंड दिस इज़ इंट्रा डर्मल ठीक है एंड जो फ्रैक्शनल आई है दैट इज़ बेटर ठीक है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है दिस इज़ मोर इम्यूनोजेनिक ठीक है तो इंडिया में जैसे आप इन आ, सबसे लास्ट लाइन दे सकते हैं इट इज़ प्रेजेंटली कवरिंग इन द होल कंट्री होल कंट्री में हम फ्रैक्शनल ही प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है पोलियो सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इराडिकेशन इराडिकेश्ट इनिशिएटिव में जैसे हमने स्मॉल पॉक्स में देखा था ठीक है क्योंकि हो सकता है कि बहुत पार्ट्स ऑफ कंट्रीज हो सकते हैं जहाँ पे अगर किसी को वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप टू हुआ है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है या फिर उनको पता नहीं है तो ये सब करते रहना चाहिए देन सर्वेलेंस के लिए हम क्या लेते हैं एक्यूट फ्लासिट परालिस क्योंकि यही बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है पोलियो का ठीक है तो ऐसे बच्चे जो पंद्रह साल से कम के हैं और उनको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हुआ है उनकी हम लिस्ट निकालते हैं ठीक है चाहे वो कोई भी रीज़न हो चाहे वो लिटरली कोई भी रीज़न हो ठीक है चाहे वो गुएन बरे सिंड्रोम हो चाहे वो ट्रांसफर्स मेलाइटिस हो चाहे वो ट्रोमैटिक न्यूराइटिस हो ठीक है हमें उनको ढूंढना है ठीक है उनको फॉलो करना है एंड फिर हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जो होता है ना पोलियो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दीज ठीक है पंद्रह साल से कम बच्चे क्यों लिए क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है पोलियो ठीक है ये भी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है तो एक हम क्या करते हैं हर हेल्थ फैसिलिटी चाहे वो पीएचसी हो चाहे वो कोई बड़ा ही अस्पताल क्यों ना हर फैसिलिटी में हम जाते हैं पूछताछ करते हैं या फिर वो हमें नोटिफाई करते हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है अगर किसी को एक्यूट फ्लासिट पैरालिसिस हुआ है तो विद इन दो घंटे चाहे उसको कुछ भी क्यों ना हो चाहे डॉक्टर को पता ही क्यों ना हो कि उसको कुछ और डिजीज़ है हमें उसका स्टूल लेना है एंड उसको लैब भेजना है स्टूल हम कैसे लेते हैं एक तो हम उसको फ्रीज रेफ्रिजरेट कर देते हैं या फिर उसको फ्रोजन आइस में रख देते हैं एक कोल्ड बॉक्स में ठीक है क्योंकि अगर वो हीटअप हो गया तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा वायरस को ठीक है जब हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में स्टूल को रख के लैब भेजते हैं दिस इज़ नोन हैज़ रिवर्स कोल्ड चेन दिस इज़ एम सी क्यू पॉइंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड विद इन तीन दिन ही पहुंच जाना चाहिए वरना जो वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है फिर अगर पोलियो वायरस हम आइसोलेट कर लेते हैं स्टूल से तो फिर हमें डिस्टिंग्विश करना होता है वाइल्ड एंड वैक्सीन से ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है ठीक है फिर हम टेस्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि वो स्ट्रेन कौन सा एरिया का है तो फिर हम क्या करेंगे एक नक्शा लेंगे और उसमें मार्क करेंगे कि कहाँ कहाँ केसेस मिले और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफिकली कहाँ पे ज़्यादा है ताकि हम एक सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ यहाँ से फैल रहा है ठीक है तो हम एक मैप लेंगे और उसमें मार्क कर देंगे ठीक है इन्वामेंटल सर्वेलेंस इंडिया में इम्पोर्टेंट है जि जिन उन कंट्रीज में ठीक है जहाँ पे पोलियो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस क्या होता है कि हम क्या करते हैं सी वेज या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल सैम्पल लेते हैं ठीक है तो उसको हम टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे पोलियो है ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्री सर्वेलेंस डेटा है एक तो हम केसेस तो छाट ही रहे हैं इन्वायरमेंट में भी देख रहे हैं क्योंकि कभी कभार जो इन्वायरमेंट है वो भी एज अ सोर्स एक्ट कर सकता है अब सर्वेलेंस इंडिकेटर की बात करें तो आपको एट्टी परसेंट याद रखना है कि अगर ए है अगर किसी भी बच्चे को ए है तो एटलीस्ट एट्टी परसेंट ऑफ़ द केसेस रिपोर्ट होने चाहिए चाहे वो ज़ीरो रिपोर्ट चाहिए ना क्यों ना हो एट्टी परसेंट ए का हमें स्टूल लेना है ठीक है वही सारी चीज़ें रहेंगी ठीक है कि एटलीस्ट uh, दो स्टूल सब लेने हैं एक दिन के uh, गैप में ठीक है एक आज ले लिया और एक परसों ले लिया ठीक है और कब लेना है दो हफ्ते पहले बाद में लेना है जब परालिस हो गए विद इन फोर्टीन डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ परालिस एंड रिवर्स कोल्ड चेन से लैब भेजना है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एटलीस्ट एट्टी परसेंट जो ये केसेज हैं इनको फॉलो करना है ठीक है तो एट्टी परसेंट केसेज ढूंढना एट्टी परसेंट का सैंपल लेना है उनमें से एट्टी परसेंट का सैंपल लेना है और उन एट्टी परसेंट को फॉलोअप भी करना है देखने के लिए कि उनमें रेजिडल रेजिटल तो नहीं है ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इन्वामेंटल सर्वेलेंस क्योंकि इंडिया में ये एक बार यूज़ हुआ था और पता चला था कि यूपी में वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस सीवेज में है ठीक है और वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ये पता करने के लिए एंड फिर एकदम से सारे बच्चों को उनके अगेंस्ट वैक्सीन दे दी गई थी सारे सीवेज साफ़ करा दिए गए थे एंड हमने एक एपिडेमिक होने से रोक दिया था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस की बात करें ये इंपॉर्टेंट एडवर्स रिएक्शन है दिस इज एडवर्स रिएक्शन ऑफ द इंजेक्शन ठीक है द वैक्सीन अब जो ये केसेस है वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो पैरालिटिक पोलियोमलाइटिस दिस इज सिमिलर टू वाइल्ड जो नेचर में हो रहा है वैसे ही वैक्सीन की वजह से भी हो रहा है तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं लैब्स से लैब्स से अब दिक्कत क्या है कि जो जिस इंसान को मैंने ओपीवी दिया उसको तो ये हो ही सकता है बाकी लोगों को भी हो सकता है और ये मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू टाइप थ्री वैक्स थ्री स्ट्रेन ठीक है टाइप थ्री स्ट्रेन इसमें इम्पॉर्टेंट है अब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है कि जब वैक्सीन हम देते हैं ना क्योंकि ओरल वैक्सीन है तो ये कहाँ निकलेगी हमारी फीसेज में वो फीसेज फिर किसी और का खाना और पानी कंटेमिनेट करेंगे और फिर ये जो वैक्सीन वाला वायरस है हर जगह फैल जाएगा एंड सबको इम्यूनिटी मिल जाएगी ठीक है सो दिस इज़ नोन एज अनदर नेम फॉर हर्ड इम्यूनिटी ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है बाकी इसके जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ ये बायोलॉजिकली रिजेंबल करता है इसमें बस डिफरेंस क्या होता है वाइल्ड से कि ये ज़्यादा देर के लिए शेड करता है ठीक है तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये थ्री वीक्स ऐसे थ्री फोर कि ये एटलीस्ट तीन महीने तक शेड करता है ठीक है पर ये दो तीन हफ्ते ज़्यादा शेड कर सकता है अगर ये वैक्सीन डिराइव्ड है जो वाइल्ड वाला है वो तीन महीने तक कर सकता है एंड जो वैक्सीन वाला है वो दो तीन महीने सॉरी दो तीन महीने ज़्यादा कर सकता है इसको हम किस से कर सकते हैं डायग्नोस रियल टाइम रिवर्स पीसीआर ठीक है एंड देन इसमें तीन तरह के होते हैं जो वैक्सीन डिराइव होता है वो तीन तरीके का होता है फर्स्ट इज़ कम्युनिटी उसके आगे सी लगा दो इम्यूनो डिफिशियंट एसोसिएटेड उसके आगे आय लगा दो एंड एम्बिगुअस एम्बिग्यूस मतलब पता नहीं है कहाँ से आया तो ये इम्यूनो डिफिशियंट भी हो सकता है या फिर ये कम्यूनिटी भी हो सकता है एजेंट क्या है कि इसमें वो ये पोलियो वायरस है एंड मोस्ट कॉमन इट इज़ ड्यू टू टाइप वन इट इज इज एम सी क्यू पॉइंट एंड जो वी ए पी पी है दैट इज़ ड्यू टू टाइप एम सी क्यू पॉइंट मैन इज द ओनली नोन रेजर्वयर ठीक है एंड मोस्ट इन्फेक्श आर सब क्लिनिकल केसेज ठीक है यही इंपॉर्टेंट होता है फैलाने में ठीक है इज नोन एज आइसबर्ग ठीक है क्रॉनिक केसेस नहीं होते हैं ठीक है अब वायरस वही है फीसिस में होता है एंड औरजल स्टिक्रीशन में भी होता है नेजल नहीं और ठीक है फिर ये मोस्ट इन्फेक्श होते हैं एक हफ्ते में बिफोर एंड आफ्टर ऑन सेट ऑफ सिम्टम्स ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये तीन महीने तक कर सकते हैं तीन से चार महीने तक और अगर ये वी ए पी पी है तो फोर टू सिक्स वीक्स मोर दो थे से तीन हफ्ते महीने और कर सकते हैं शेड चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल देन अडल्ट क्यों क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो हो सकता है आपको ये वायरस हो गया हो और आप इससे इम्यूनिटी डेवलप कर सके कर चुके हैं तो अडल्ट दे आर ऑलरेडी पॉसिबल कि दे आर ऑलरेडी अक्वायर्ड द इम्यूनिटी ठीक है तो चिल्ड्रेन क्योंकि वो नए हैं वो यंग है हो सकता है उन्होंने इम्यूनिटी नहीं किया होती इसलिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ठीक है देन पोलियो इट इज़ असेंशियल डिजीज ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्ड हुड इन इंडिया एंड ये कहाँ से कहाँ मिलता है छः से तीन महीने छः महीने क्यों क्योंकि क्यों? क्यों क्यों? मेटर्नल एंटीबॉडीज़ होते है दिस रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट थ्री इज टू वन तीन मेल इज टू वन फीमेल मतलब मेल्स में कॉमन होती है ठीक है एंड कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं पैरालिटिक पोलियो आगे हम पढ़ेंगे पोलियो बहुत तरीके के होते हैं ठीक है जो फैक्टर्स आपको पैरालिसिस दे सकते हैं वो क्या है फटीक trauma intramuscular इंजेक्शन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स लाइक tonsillectomy दिस इज एम सी क्यू क्वेश्चन ठीक है जनरली जो बच्चे होते हैं जिनको टॉन्सिलेक्टमी होता है उनको डीपीटी नहीं देना चाहिए उनको ये ओपी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर उनको ये चीज़ होने के चांसेज ज़्यादा है उनको डिपथेरिया होने के चांसेज ज़्यादा है उनको ओ भी होने के चांसेस ज़्यादा है आर लिम्फ ठीक है जो इम्यूनिटी है वो सॉ बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी मिलती है फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइप टू पोलियो हो रखा है पहले तो मुझे वो फिर से नहीं होगा बट दिक्कत यह कि इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं है अगर मुझे टाइप थ्री हो गया है तो मुझे टाइप थ्री फिर से नहीं होगा पर मुझे टाइप वन हो सकता है तो तीनों से इम्यूनिटी मिलना ज़रूरी है ठीक है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अगर आप बॉडी में डिटेक्ट करें तो मतलब आपको इम्यूनिटी है अगेन रेनी सीजन में होता है कंटेमिनेटेड फूड वाटर एंड आपके हाथ हाथ धोने चाहिए अब इसका स्पेक्ट्रम क्या है ठीक है ये अगेन एक हफ्ते से दो हफ्ते तक हो सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ठीक है इन अपेरेंट या फिर सब क्लिनिकल केस आपको पता भी नहीं चलेगा आपको पोलियो हो गया है नाइन्टी टू नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों पर होता है दिक्कत क्या होती है कि यही लोग इन्फेक्शन फैलाते हैं इनको रिकोगगनाइज़ कैसे कर सकते हैं या तो इनकी बॉडी में वायरस मिल रहा है या फिर उनकी एंटीबॉडीज़ राइज कर रही हैं ठीक है एंटीबॉडीज़ होती सब में पर अगर ये एंटीबॉडीज़ का जो टाइटल है वो राइज कर रहा है देन वी कैन से कि हाँ इसको है अबॉटिव पोलियो या माइनर इलनेस ठीक है ये जो ये नाइन्टी परसेंट नाइन्टी सिक्स पीपल हो गए अगर उनमें से कोई चार प्रतिशत लोग हैं तो उनको हो जाता है दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ लिमिटिंग माइल्ड है उसमें क्या हो गया कि वायरिमिया हो गया मतलब ब्लड में वायरस आ गया है पेशेंट क्विकली रिकवर कर सकता है एंड हम क्लिनिकली अगेन इसको डायग्नोस नहीं कर सकते है. देन वी एव नॉन पैराटिक पैरालटिक पोलियो जो ये नब्बे नाइन्टी परसेंट थे उसमें चार परसेंट उसमें एक परसेंट मतलब जैसे जैसे आपकी किस्मत फूटती जा रही है जैसे जैसे पता चल रहा है कि आपकी किस्मत बहुत ख़राब है उससे उस हिसाब से इसकी जो सिवेरिटी वो बढ़ती जा रही है इसमें प्रजेंटिंग फीचर क्या है स्टिफनेस एंड पेन इन नेक एंड बैक रिकवरी अगेन रैपिड है ठीक है एंड दिस डिजीज इज सिमस सिनेमस विथ एसेप्टिक ठीक है देन वी हैव पैरालिटिक पोलियो ठीक है ये लेस देन वन परसेंट लोगों में होता है ठीक है एंड एक पॉइंट मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो ओ पी वी है ना उसकी वजह से अगर आपको पैरालस हो तो उसके चांसेज होते हैं वन इन अ मिलियन तो एक मिलियन में से आपकी किस्मत इतनी ख़राब होनी चाहिए कि आप वो एक लौते इंसान होंगे जिसको ये परालिस होगा ठीक है जो पैरालिटिक पोलियो अब ये सी को इन्वेट करेगा ठीक है इसमें क्या होगा ए एसीमेट्रिक फ्लासिड पैरालिसिस ए सीमेट्रिक इंपॉर्टेंट है यहाँ ठीक है अब हिस्ट्री ऑफ फीवर हो गया एट द टाइम ऑफ पैरालिसिस तो ये सजेस्टिव है पोलियो के लिए ठीक है अगर आपको पैरालिसिस हो रहा है विदाउट फीवर तो कुछ और होगा वो ठीक है देन इसमें और चीज़ हो सकती है लाइक मलेज नोजिया वॉमिटिंग हेड एक कॉन्स्टिपेशन ऑफ पेन मेन मेन के सिम्टम्स होंगे ठीक है वो स्टिफनेस इन नेक अच्छा इसमें ट्राईपोर्ट्स साइन मे बी प्रेजेंट हमेशा नहीं होता मे बी प्रेजेंट होता है इसमें क्या होता है कि बच्चा बैठ नहीं पाता है तो वो क्या करेगा अपने हाथ है पीछे पीठ पे रखेगा और अपने नीज एंड हिप्स को फ्लेक्स करेगा जब आ, लोग उदास होते हैं तो वो दिखाते हैं ना ऐसे फ्लेक्स करके बैठे वैसे ही ठीक है एंड ये लेस देन चार दिन में आपको पैरालिस कर सकता है ठीक है एंड ये डिसेंडिंग पैरालिसिस है पहले आपके हिप्स से स्टार्ट होगा फिर नीचे पैरों में जाएगा तो इसके पैर जो होते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट वो होते हैं लोकेशन एंड ये प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है पहले क्या होगा कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ जाएगी फिर रिफ्लेक्सेस जाना शुरू करेंगे पर इसमें सेंसरी लॉस नहीं होगा मोटर लॉस होता है क्योंकि ये क्या अफेक्ट करता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अगर क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट होती है अगर मतलब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है तो फिर आपकी रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है ठीक है एंड देन दैट कैन कॉज डेथ ठीक है एक बार ये ठीक हो जाता है तो रेजिडुअल पैरालिसिस रहता है एंड दिस इज़ नोन एज पोलियोमलाइटर्स ठीक है एंड अगर इसमें और भी फीचर्स हो सकते हैं जैसे फेशियल एसिमेट्री है डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग है या फिर लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकती है